everyone, welcome to my channel. So this is the first vlog ever I'm going to shoot. So as such, there is no specific reason why I'm starting today. It's just that मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मुझे vlog start करना है but it's like a fear, I think. You will understand. जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको पता होता है ठीक है आपको ये चीज़ें बोलनी हैं already. But vlog में ऐसा कुछ नहीं होता है. You talk in front of people. बिल्कुल सामने बोलते हो क्या बोलना है. सो ये सारी रीज़न थी तो मैंने सोचा ठीक है आज मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ. एंड दूसरा ये रीज़न है कि टुडे इवनिंग आई एम गोइंग टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज फॉर माय हेयर मुझे वो पास में ही मिल गया है. तो मैंने उनसे पूछा लाइक इफ दे सी हेयर स्कैल्प्स और नॉट लाइक रिलेटेड इशूज़. सो उन्होंने बोला हाँ वो ये भी देखती हैं. तो मैंने सोचा ठीक है एक बार मैं दिखा लेती हूँ. रीज़न ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है. काफ़ी ज़्यादा मेरा हेयर लॉस हो गया. मेरी स्कैल्प्स तो काफ़ी दिन से ही दिखने शुरू हो गए थे हेयर लॉस की वजह से बट अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया. मुझे लगा कि ठीक है मैं हेल्दी डाइट वगैरह फॉलो करूँगी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी तो वो सही हो जाएगा बट वो सही हो ही नहीं रहा. इतने सालों से हेयर फॉल हो रहा है एंड वो होता ही जा रहा है. अगर मेरे पास पिक्चर होगा तो मैं पुट करूँगी कि पहले मेरे 3-4 साल पहले मेरे बाल कैसे हुआ करते थे एंड नाउ हाउ दे हैव बिकम. सो सिंस आई एम लिविंग आउटसाइड ऑफ माय होम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना कि आप हर टाइम हेल्दी खाना खाओ एंड देन एक्सरसाइज करो. सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है. आप कब सोते हो आप कब उठते हो हर चीज़ टाइम पे करना तो वो बाहर नहीं हो पाता. वो थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि मैं घर जाती हूँ ना तो थोड़ा मेरा हेयर फॉल कम हो जाता है. मैंने ऑब्ज़र्व किया है बट यहाँ पर अभी नहीं हो सकता है. सो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक बार डॉक्टर को देख लेती हूँ. तो ये रीज़न है जाने का वन ऑफ द. और मैंने सोचा कि ठीक है अगर डॉक्टर कुछ ऐसा बताते हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाए सो आई विल ट्राई टू टेल यू इन दिस ब्लॉग. एंड अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं. मैं 9 बजे ही जाके ब्रेकफास्ट ले आई थी बट उस टाइम मुझे खाने का मन नहीं था एंड मैं फिर थोड़ी देर सो भी गई. तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. मैं दिखाती हूँ आपको मेरा ब्रेकफास्ट क्या है. सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट. मुझे आज पोहा मिला है. ये वो लोग दाल भी बना देते हैं एंड मैंने साथ में एक ये सब्ज़ी आलू का बना के रखा था तो मैंने वो भी लिया है. आई सेड यू मॉर्निंग दैट आई विल मीट विथ यू when I will go to doctor. So today, so now the time is 4:45 PM and this is what I am wearing for going to see your doctor. And मैं ऊपर से कुछ कोटी भी डाल लूँगी. And this is the outfit. मैंने hair खुला ही रखा है बिकॉज कुछ चेक वगैरह करेंगे. So bye bye. नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज. कल मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी वहाँ डॉक्टर के पास ही. मुझे 7 बज गया था एंड देन फिर मुझे भूख लग गया तो फिर मैंने बाहर निकल के मोमोज खाया. आपने देखा ही होगा ब्लॉग में. सो फिर उसके बाद मुझे घर आके कुछ ऑफिस का काम था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कल आपको बता पाऊँ डॉक्टर ने क्या बोला. सो ऐसा कुछ सच नहीं बोला कि कोई प्रॉब्लम है.
तो बेसिकली आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो पहले आपको देखेंगे कि आपका कोई प्रीवियस मेडिकल कंडीशन या राइट नाउ आपका कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है, बिकॉज हमारे बॉडी में जो भी हो रहा था ना उसका इफेक्ट हमारे स्किन पे एंड हमारे हेयर्स पे दिखता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, लाइक कोई ऐसा कुछ है, तो मैंने उनको बताया कि ठीक है क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने लाइक जो मेरे साथ है लाइक उसमें मेरे विटामिन डी एंड विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो जाती है, तो इसके लिए मुझे उन्होंने टेस्ट लिखा कि ठीक है पहले ये सारे टेस्ट कराओ। तो मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपके नॉर्मल हेयर फॉल हो रहे हैं, लाइक उन्होंने बोला कि 80-100 अगर आपके हेयर फॉल होते हैं ना एक दिन में, दैट्स कॉमन, वो होते हैं एंड फिर आपके आएंगे, बट अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो फर्स्ट आप कोई भी लाइक अगर आप ऑयल वगैरह लगा रहे हो तो ठीक है, बट फर्स्ट यू नीड टू लाइक चेक कि क्या आपके बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशेंसी तो नहीं हो रही है जिस वजह से ये हो रहा है। बहुत बार ब्लड की कमी होने की वजह से भी होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आपका ब्लड काउंट आपने कब कराया था, तो मैंने जस्ट कुछ फ्यू मंथ्स बैक ही कराया था, तो मैंने उसका रिपोर्ट उन्हें बता दिया। तो ब्लड की कमी की वजह से भी बहुत बार हेयर फॉल होता है, तो वो चीज़ आप एक बार टेस्ट करा ले, तो उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर को दिखा के, ठीक है दिस इज़ माय रिपोर्ट, एंड देन वो अगर आप कुछ वैसा लेना चाह रहे हैं लाइक हेयर्स के लिए कोई भी मेडिसिन, तब का मैं बात कर रही हूँ, अगर आप सिंपली ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने तो मुझे काफ़ी देर लाइक मेरे से बात किया, लाइक 40 मिनट्स लिटरली बैठ के हम लोग, वो मुझे समझा रही थी, फिर मैं क्वेश्चंस पूछते जा रही थी, मैंने गूगल पे जो भी बहुत सारे सिली डाउट्स थे मेरे, मैंने जो देखा था मैंने सब पूछा उनसे। तो मैंने आजकल देखा है कि एक DHT ब्लॉकर समथिंग करके कुछ आ रहा है, जो कि आपको लाइक मैंने एक स्प्रे देखा था जो कि प्रिवेंट करता है हेयर फॉल होने में, तो उसके लिए तो लाइक वो लिटरली गुस्सा हो गई थी, वो बोलने लगी कि आप इतने हार्श केमिकल पे क्यों जाना चाहती हैं, दिस इज़ नॉट फॉर पर्सन लाइक आर सेज, लाइक वो उन्होंने ये भी बोला कि एज के अकॉर्डिंग भी हम डिफाइन करके देते हैं कि आपको कितने परसेंटेज का क्या लेना है। तो ये सारी बातें सब चल रही थी, लाइक मुझे इतना समझ आया कि ऐसे मार्केट में जो कुछ भी आ रहा है ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन, दैट मीन्स इट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन योर ऑर्गन्स, एंड सो इतना तो उनकी बातों से मुझे समझ में आया। एंड फिर मेरे इसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मुझे लाइक मैंने बताया कि मुझे विटामिन डी की डिफिशेंसी रहती है, तो उन्होंने खुद से भी पहले विटामिन डी का टैबलेट्स लिखा था, एक कैप्सूल दिया है जिसे मुझे मुंह में रखना है, एंड एक सीरम दिया है जिसे मुझे रोज़ लगाना है, और जिसके बारे में उन्होंने बोला कि ये काफ़ी लाइट है, कोई पेप्टाइड्स है प्रोटीन, जो कि हमारे बालों में लाइक नरिशमेंट क्या होती है ना, धीरे धीरे कम होने लग जाती है एज आवर एज इंक्रीजेस। लाइक मैंने बोला कि मेरे हेयर्स जो है पहले काफ़ी थिक हुआ करते थे, एंड अब वो काफ़ी थिन हो गया, एंड वो उस डेंसिटी के आ ही नहीं रहे, तो वो बोले कि होगा एज के साथ हमारे हेयर्स कम होते जाते हैं, एंड ये हमारे जीन्स में भी होता है कि आपके लाइक शी सेड कि ये मोस्ट ऑफ द थिंग ये जीन्स का ही है, एंड फर्स्ट एंड दूसरा उन्होंने कहा कि एज के अकॉर्डिंग आपके हेयर्स कम होंगे, तो ये चीज़ उन्होंने बोला। तो उसके लिए मुझे उन्होंने एक सीरम दिया है जो कि बालों को लाइक शी सेड कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्रिस्क्रिप्शन तो वो सीरम का नेम है समथिंग मोर प्रो हेयर सीरम, ये बोला है उन्होंने मुझे लाइक लगाने के लिए रोज़ सुबह एंड शाम, एंड लगा के बस छोड़ देना, आपको हेयर वॉश वगैरह नहीं करना। मैं इसका एग्जैक्ट नेम अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो शी सेड कि काफ़ी माइल्ड परसेंटेज का लाइक बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वॉट एवर इट नीड्स है, क्योंकि आजकल हम लोग लाइक मैक्सिमम जगह के जहाँ भी पानी है सब हार्ड वाटर हो चुके हैं, तो शी ऑल्सो एडवाइज कि ठीक है आप आर ओ वाटर अगर आपके घर पे है तो आप उससे अपने बाल वॉश करो। लाइक शी सेड कि ठीक है मिनरल्स नहीं मिलेगा, बट क्या आर ओ से आपका वो एटलीस्ट हार्ड वाटर नहीं है तो आपके हेयरफॉल कुछ दिन तक तो रुकेंगे। तो शी एडवाइज दीज थिंग्स, एंड ऑफकोर्स फूड उन्होंने बोला इम्प्रूव करने को।
पालक वगैरह खाने को बोला, जो कि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है, उन्होंने बोला फ्रूट्स वगैरह ये सब। तो मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपके 80 to 100 हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लाइक ऑयल वगैरह कुछ, अगर आपको होम ट्रीटमेंट मिलता है कुछ तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं एंड आप किसी मेडिकल चीज़ पे जाना चाहते हो तो एक बार प्लीज़ डॉक्टर को दिखा दे, बिकॉज आजकल कोई भी सीरम वगैरह या कुछ भी 500, 600, 700 से नीचे नहीं आता, एंड डॉक्टर की फ़ीस कितनी, 500 लाइक मोस्टली 500 ही होगी वो किसी, लाइक हैदराबाद में मैंने किया है, यहाँ पे मुझे 500 में हुआ, तो बेटर है एक बार आप वो 500 एक्स्ट्रा खर्च करके। एंड उन्होंने मेरा हेयर्स भी देखा, लाइक हेयर्स मेरे 2 दिन के बाद ना काफ़ी ग्रीजी हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला यार ये नॉर्मल है कि आपके बाल जो है वो हमारी स्किन जो ऑयल वो सिक्री लाइक करती है, यू नीड टू वॉश योर हेयर ट्वाइस इन अ वीक ताकि वो ग्रीजीनेस ख़त्म हो जाए, एंड उसके बाद से नहीं आता, क्योंकि अभी मैं अगर ऐसे नाखून करती हूँ तो इट्स क्लीन। तो ये चीज़ बोला उन्होंने, एंड शी आस्क व्हाट शैम्पू आई यूज़, तो मैं तो लिटरली अभी कोई भी शैम्पू मुझे मिल रहा है मैं यूज़ कर लेती हूँ, मुझे यहाँ सनसिल्क मिला मैं सनसिल्क यूज़ कर रही हूँ, बट शी सेड कि डव और ट्रेसेमे यूज़ करो। तो डव तो मैंने पास्ट टाइम में यूज़ किया है, बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मेरा हेयर फॉल इनफैक्ट और इंक्रीज हो गया था, तो लाइक मैं इस बार देखती हूँ, मैं ट्रेसेमे ट्राई करूँगी अगर उससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, बट उन्होंने बोला डव और ट्रेसेमे यूज़ करने को बिकॉज इट इज़ टेस्टेड, एंड तो अगर कुछ बोला तो कुछ सोच के बोला होगा, तो ठीक है एक बार ट्राई करके देख लेते हैं उसको। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लाइक आपके हेयर सभी काफ़ी सही हैं, वो सबको ऐसे ही बोल रही थी, लाइक उनके पास स्पेशली कौन ज़्यादा लाइक उनको जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया हो, तो वो सबको यही काम करने का ही कोशिश कर रही थी कि इट्स फाइन, आजकल ऐसा लाइफस्टाइल सबका हो गया है कि इट हैपेंस। सो मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगी, जो सिरम मुझे दिया है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उन्होंने बोला ये काफ़ी कम परसेंटेज का है, एंड इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड भी गई थी तो उसको भी सेम ही सिरम उन्होंने, तो आई थिंक मुझे लगता है ये कॉमन है कि आपको आपके हेयर को न्यूट्रिशन जो भी जिस चीज़ की प्रोटीन की उसको ज़रूरत है वो प्रोवाइड करने के लिए, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, दिन सुबह एंड शाम आपको यूज़ करना है एंड लगा के छोड़ देना है, लाइक आपको वॉश वॉश कुछ नहीं करना है, एंड उसके बाद जब आप हेयर वॉश कर रहे हो तो आप जो भी ऑयलिंग वगैरह करना चाहते हो हेयर वॉश से पहले वो लाइक नॉर्मली जैसे आप करते हो वो आपको करना है। सो या दैट्स इट, मुझे बोला था उन्होंने, अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है बट आई एम गोइंग टू ईट, अमरूद मंगाया था मैंने कल तो मैं जा रही हूँ अमरूद खाने, तो एंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने एक सीज़र ऑर्डर किया है, जस्ट अभी आया है वो बालों को ट्रिम करने के लिए, लाइक लिटरली मेरे काफ़ी दिन हो गया है जब से मैंने अपने बाल को ट्रिम नहीं किया है, एंड मैं पहले किसी नॉर्मल सीज़र जो घर में होते हैं ना मैं उससे ट्रिम कर लेती थी, बट मैंने ये देखा कि नहीं ठीक है उससे नहीं करते, बिकॉज सबकी शार्पनेस अलग होती है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो आप हेयर कट हेयर लाइक जो हेयर कटिंग के लिए सीज़र स्पेशली बनना होता है आप उसी से करें, तो मैंने ये ऑर्डर किया है ये सीज़र, मुझे तो सही लग रहा है, मैंने चेक कर लिया हर चीज़, मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया, वहाँ पे मुझे कम प्राइस में मिल गया, तो एंड सही भी लग रहा है, अमेज़ॉन पे मैं जब देख रही थी तो सबके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे और मीशो पे ही अच्छे प्राइस में मिल गया, तो ऑल्सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने हेयर जो है वो ट्रिम करते रहो, क्योंकि क्या होता है कि दो मोहे बाल तो आते ही हैं ना, आपके बाल ना फंसने लग जाते हैं उसके वजह से, तो जब वो फंसते हैं तो आपके बाल टूटेंगे, एंड ये मेरे साथ रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने जल्दी से लाइक मैंने बोला अब नहीं बिकॉज बाल काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, तो मैंने ये ऑर्डर किया है, तो आप ही देख सकते हो। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर, टिल देन बाय बाय।